तो दोस्तों, अगर आप झारखंड में पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी आउट हो चुकी है, तैयारी करने का आपके पास समय है, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों, स्पेसिफिक दिक्कत उन बच्चों के लिए आ रही है जो बच्चे यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस पढ़ना होगा वो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का ही पढ़ना होगा। तो बच्चों, मैं आपको एक बुक लिस्ट बता रहा हूँ और ये सारी की सारी बुक ही मैंने अपने कोर्स कंटेंट डिजाइन करने में यूज़ की हुई है। तो देखिए, वैश्विक अर्थशास्त्र के लिए जो मैंने बुक यूज़ की हुई है, मतलब ये सारी की सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी हुई हैं और इन्हीं के बेस पे कंटेंट बनाया हुआ है। एचएल आहूजा सर की बुक तो हमने माइक्रो में यूज़ की ही है, साथ में ये वाली बुक है डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये वाली बुक आप यूज़ कर लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उच्च आर्थिक सिद्धांत, डॉक्टर अनुपम अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा से। अच्छी किताब है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको यूज़ करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैंने खुद इसको पढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम मैक्रो की बात करें तो देखिए, मैक्रो के अंदर ये वाली किताब है, ये भी साहित्य भवन पब्लिकेशन से है, आर्थिक समष्टि विश्लेषण, ये राइटर है डॉक्टर जी सी सिंघल और जे पी मिश्रा। इसके अंदर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। मैक्रो के अलावा आपको जो आपकी जो सिलेबस में जो थर्ड यूनिट है मनी और बैंकिंग, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ पार्ट आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, कुछ पार्ट आपको पब्लिक फाइनेंस का भी मिल जाएगा, कुछ पार्ट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी मिल जाएगा। तो ये बुक काफ़ी सफिशियंट है, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक ही बुक काफ़ी है, लेकिन इस बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो नहीं मिल पाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, वो ये वाली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जेपी केएफसी राणा और के एन वर्मा, ये मेरी खुद पढ़ी हुई है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का काफ़ी कंटेंट हिंदी मीडियम में मैंने इसी से बनाया है, अच्छी किताब है, विदाउट एनी डाउट आप इन तीनों किताबों को ले सकते हो और अच्छी किताब है, आपको सारे के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में हो और आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है तो ये किताब है पब्लिक फाइनेंस की, लोक वित्त की, डॉक्टर जय प्रकाश मिश्र की। हालांकि आप चाहो तो एचएल भाटिया की यूज़ कर सकते हो, मुझे इतनी खास ये बुक लगी नहीं क्योंकि मैंने इसके अलावा और भी कई सारी बुक्स का फॉलो किया, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज एचएल भाटिया सर की बुक पे चले जाओ तो ये रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो बहुत अच्छी किताब है, हालांकि थोड़ा लेवल इसका हाई रहेगा, आर के लेखी है जोगिंदर सिंह की, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगी, ये मेरे पास इंग्लिश में, हिंदी में मुझे मिली नहीं, कहीं शायद मिस हो गई होगी या रख दी होगी मैंने, लेकिन ये बुक आप पढ़ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है तो रमेश सिंह की आप बुक यूज़ कर सकते हो। तो इन किताबों के माध्यम से आप पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट आप पढ़ोगे, यही सारी किताबें आपको पढ़नी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, आपके पास मान लीजिए इस समय नहीं है, आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो मेरे पास, मैं नोट्स तैयार करा रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मेरे पास यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हिंदी मीडियम में है, लेकिन मैं तैयार करा दूंगा, 3 से 4 महीने का समय लगेगा, इसके अंदर हम पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करा देंगे। तो इस कंटेंट में हमारा कोर्स भी है बच्चों, जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, जो भी कंटेंट है सिलेबस के हिसाब से उसका वीडियो कोर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जाके आप पेपर प्रैक्टिस कर सको, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई डाउट्स है तो उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए आपको काउंसलर का फोन नंबर मिल जाएगा, ताकि आप डिस्कस कर सको, इसके अलावा मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसके माध्यम से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ये वाली है, इसका कंटेंट आप जाओगे तो सबसे पहला कोर्स ही बच्चों ये झारखंड वाला है, और हो सकता है पहले की जगह दूसरे पर आ जाए, दूसरे की जगह तीसरे पर आ जाए, पर लेकिन टॉप पर आपको ये मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी आपकी बेसिक नीड है वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। कंटेंट आपको ये रहा, इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही तैयार कर रहे हैं, तो बेसिकली झारखंड में ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, ये मैं भी जानता हूं, तो हम हिंदी मीडियम का कंटेंट पहले तैयार कराएंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ जो समय है उसमें इंग्लिश मीडियम का कंटेंट तैयार कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप कोर्स को बाय करना चाहें तो 6000 इसकी फीस है और इस पर 30% ऑफ है, तो ये कूपन आप अप्लाई करके आप इसकी 4300 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसकी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी हिंदी मीडियम की वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों, अगर इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहो तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट में भी पे करने का ऑप्शन है। इसके अंदर 4300 दो बार में आपको फीस पे करनी है मंथ में, और आप इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बुक लिस्ट मैंने बनाई है आप उसकी तैयारी करोगे, उससे पढ़ाई करोगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।